घर में दिखने वाले छोटे छोटे कैट्स को देखकर हमें याद आती है वाइल्ड एनिमल के, जिसको बोला जाता है टाइगर, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है इंट्रोडक्शन, स्टार्टेड कब हुआ था ये, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, और मेथड और सक्सेस क्या है। तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जो कि प्रैक्टिकल्स में आ जाता है। इसका किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डिटा, क्लास है मैमेलिया, ऑर्डर है कार्निवोरा, क्योंकि ये कार्निवोरस है, फैमिली फेनिलिडा, जीनस है पैंथेरा, स्पीशीज है पी टाइग्रिस। इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। उसके बाद हम जान लेते हैं टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें छोटी छोटी। ये बंगाल टाइगर के बारे में है। लेंथ है 4.6 to 12.2 feet में रहती है। वेट इसका 220 to 675 pounds में रहता है। कलर मार्किंग ऑरेंज और वाइट, बैली स्ट्रक्चर मतलब ऐसे लाइंस दिखाई देती है, वर्टिकल ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। लाइफ स्पैन इसका होता है 18 to 25 years का। टॉप स्पीड होती 96 किलोमीटर। हैबिटेट डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जो पहाड़ियों में जो फॉरेस्ट रहते हैं मेनली वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पर इनको वाटर सोर्स ऑनलाइन प्रॉपरली मिल जाए। इसकी ब्रीडिंग सीजन रहता है बिटवीन नवंबर टू अप्रैल रहता है। मेन प्रीज रहता है, मेन शिकार इसका डियर और कैटल रहता है। उसके बाद है जो सम टाइगर्स के नेम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बंगाल टाइगर, जिसको इंडियन टाइगर बोला जाता है, फिर इंडो चाइनीज टाइगर, कॉर्बेट टाइगर क्योंकि वो कॉर्बेट नेशनल पार्क्स में है, मलायन टाइगर्स, साइबेरियन टाइगर, जिसमें थोड़ा बहुत फीचर्स, जो बॉडी के फीचर्स है वो थोड़े बहुत चेंज रहते हैं, मोस्टली सिमिलर रहते हैं, अलग डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इनमें। फिर स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इंडिया 1972 में स्टार्ट किया गया था बंगाल टाइगर के ऊपर, बट जो लॉन्च हुआ था वो 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी, तब हुआ था वो 19 नेशनल पार्क्स में अंडरटेकन लिया गया था कि यहाँ पे जो टाइगर है उनको कंजर्व किया जाएगा, उनको हैबिटेट को बढ़ाया जाएगा। इंडियन बोर्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ IBWL रिस्पॉन्सिबल थी केयरिंग करने की, इनकी जो भी एक्टिविटी है उनको कंजर्व करने की। नीड टू दिस प्रोजेक्ट, क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोजेक्ट की, सबसे पहला पाउचिंग था बिफोर लेजिगेशन इन 1971 जब स्टार्ट हुआ कि हंटिंग को रोकना। उसके पहले क्या होता था, लीगली शूट करने की अनुमति या परमिशन दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, ₹10 to 45 लिया जाता था। तो वाइल्ड लाइफ को कोई भी मार के, जो भी शिकार करने जिनको पसंद है वो क्या करते थे, मार देते थे। और डिमांड फॉर टाइगर स्किन एंड पार्ट्स ऑफ मेडिकल पर्पज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था। उसके बाद मैन टाइगर कन्फ्लिक्ट हो गया था, जो शिकार थे जिनको शिकार पसंद था, या फिर जहाँ पे सर्कस चल रहा है, अदर शूटिंग्स चल रही है, वहाँ पे इनका एनिमल्स का ये टाइगर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, इनको बंदी बनाकर रखा जाने लगा था। डिप्लेशन ऑफ देयर शीफ प्री, जो इनके प्री थे जैसे डियर था, बिग्स थी, इनका भी कमी होते जा रही थी। उसके बाद है कि टेंजिया हैज़ द मोस्ट लायन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लायन वहाँ पर प्रेजेंट है। द स्टेट ऑफ गुजरात इज ओनली स्टेट 100% ऑफ एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। लायन और टाइगर दोनों में डिफरेंस है, ये सिर्फ आपको एशियाटिक लायन के बारे में बताया गया है। उसके बाद है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे इस प्रोजेक्ट के, जो जिसमें टाइगर को कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जा रहा था। द प्रोजेक्ट एम्स एट इंश्योरिंग अ वैल्यूएबल पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, मेनली जो किसके ऊपर किया गया था, बंगाल टाइगर जो बहुत पावरफुल होता है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसे एरिया बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको रखा जाए, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ का तो बढ़ती जा रही है बट जो उनका एनवायरनमेंट है वो कम होते जा रहा है। एंश्योर अ वैल्यूएबल टाइगर पॉपुलेशन फॉर इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड कल्चरल एस्थेटिक और इकोलॉजिकल वैल्यूज़ के लिए इंक्रीज किया जाए। अब मेथड कौन कौन सी थी इनको प्रिजर्व करने के लिए, सबसे पहले क्योंकि अगर इनको प्रिजर्व करना है तो उनकी जो भी छोटी छोटी हैबिटेट है कि ये शिकार कैसे करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, कौन सा एरिया इनको पसंद है, तो वो देखने के लिए कैमरा ट्रैप्स अलग अलग जहाँ पे जो रहते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैमराज लगाए, उनको रिकॉर्ड किया गया है। सिंक सर्वे यूजिंग GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कंप्यूटर रिलेटेड सिस्टम है जिससे पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, डेटा होता है उसका यूज़ किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम MS TEL PS डेवलप किया गया ताकि उनको अच्छे से देखा जा सके। अब इनका सक्सेस क्या था, द प्रोजेक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, विल कंटिन्यू अंटिल द टाइगर, क्योंकि वो अभी भी एंडेंजर स्पीशीज में धीरे धीरे इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट अभी भी टाइम
टाइम लगेगा। द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द पॉपुलेशन इज गोइंग टू 2019। नंबर अब जो बढ़ गए हैं 2020 के अकॉर्डिंग इनका हो गया है 3000, मतलब जो बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। प्रोजेक्ट आकर ऑल्सो जनरेटेड जॉब्स, जो जिनको जॉब्स नहीं थी क्योंकि अब ये क्या करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम बढ़ गया है तो पर्टिकुलर मेंबर चाहिए उनके लिए, तो इंडिविजुअल्स के लिए भी जॉब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बाद द वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन फेसिंग लिटिल प्रॉब्लम हुई थी जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एरिया से एक टाइगर को ले जाके शिफ्ट करना, तो वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उनको, क्योंकि प्री दिया जाता था, फूड दिया जाता था, तो एक डर भी रहता था वाइल्ड लाइफ में। पर धीरे धीरे चेंज होते चले गया, अब बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन सेव्ड, ओनली नॉट टाइगर, बस टाइगर के लिए नहीं, अदर जो वाइल्ड लाइफ है उनको भी सेव किया जा रहा है इसमें। अब जो अकॉर्ड बहुत सारे जो नेशनल पार्क थे, 19 नेशनल पार्क्स, उनमें से जो कुछ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, पेच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मतलब अलग अलग रीजन्स में क्या किया जा रहा है, टाइगर को कंजर्व किया जा रहा है, उनको उनके हैबिटेट को बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद है क्विक, नो टू टाइगर हैव एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्रिप्स, जो उनकी स्ट्रिप्स रहती है ब्लैक वाली, वो सबकी इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। द स्टेट ऑफ कर्नाटका अलोन इज होम टू 22% ऑफ द एलिफेंट, 18% ऑफ द टाइगर्स एंड 14% ऑफ लियोपार्ड एंटीलर, मतलब ये कर्नाटका का वाइल्ड लाइफ का रेशियो है कि इतने इतने परसेंट वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट हैड सैंक्शन्ड ₹13 मिलियन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट ऑफ टाइगर्स, मतलब ₹13 मिलियन दिया गया है। गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्लान स्टार्ट किया है, नेशनल बैन ऑन टाइगर हंटिंग 1970 स्टार्ट किया गया सबसे पहले, कि हमको टाइगर को, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एकदम से नंबर कम होते चले गए, तो जब सर्वे होता है उसमें उन्होंने देखा, तो उन्होंने 1970 में ये स्टार्ट किया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कि क्या करना है, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है जैसे एलिफेंट्स है, डियर है, क्योंकि शिकार किया जा रहा है तो ये इनके नंबर कम हो रहे, तब स्टार्ट हुआ। टाइगर टास्क फोर्स मैन 1972 जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, तब मेनली ये इंप्लीमेंट हुआ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA December 2005 में इंप्लीमेंट किया, जो प्रोजेक्ट पुराना चल रहा था उसमें कुछ कुछ चेंजेस किया गया कि हमको डेवलपमेंट कैसे करना है, क्योंकि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल में भी चेंज आ रहा है, उसकी बॉडी में भी चेंज हो रहा है, उन सबको देखा गया। फिर स्टेट लेवल स्ट्रिंग कमेटी बनाई गई है जो अभी भी चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चल रही है। आवर ड्यूटी टू सेव टाइगर, सबसे पहला है कि शिकार अब तो टोटली बंद हो गया, बट कुछ भी जो ऐसा लोकल जो बहुत लोअर बैकग्राउंड है वहाँ पे हो रहा है, तो लोगों में जागरूकता नहीं है, उनमें बताया जाए कि अगर ये पाउचिंग हो रहा है, शिकार हो रहा है, तो तुरंत उसके ऊपर क्या किया जाए, इंक्वायरी की जाए। इंक्रीज फायर प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, कुछ जंगलों में गर्मी के कारण आग लग जाती है, तो ऐसे प्रोटेक्शन एक्ट बनाए जाए या ऐसी मेथड्स यूज़ किया जाए, वहाँ के लोकल पीपल्स को बताया जाए जिससे फायर प्रोटेक्शन हो जाए। कंजर्व रिसोर्स एंड डू नॉट क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज इट एंडेंजर द टाइगर हैबिटेट, मतलब जंगलों को जो एग्रीकल्चर जमीन है जो बंजर होती चली जा रही है, बिल्डिंग्स बनती जा रही है, उनको कम किया जाए ताकि हैबिटेट बना रहे, लोकल सोसाइटी हेल्प करे वहाँ की, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने, हम सबसे पहले बीइंग रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे वाइल्ड लाइफ को हार्म हो, और अवेयरनेस हो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियोस के लिए आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।